ये सनसुई एलईडी टीवी यानी 24 इंच का मदरबोर्ड है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसके जगह पे हम इसमें वीडियो कॉन का मदरबोर्ड इंस्टॉल करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है उसे हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये है इसका मदरबोर्ड, यानी ये है वीडियो कॉन का और ये है सनसुई का, यानी सनसुई, वीडियो कॉन, फिलिप्स तीनों एक ही हैं। इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उसे आसानी से कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में देखते हैं। तो इसके सनसुई की जगह पे हमने वीडियो कॉन का लगाया है। वीडियो कॉन का लगाने के बाद यहाँ पर देखें, ये इसको सप्लाई दे दिए। सप्लाई देने के बाद ये देखिए मेन इंडिकेटर शो हो रहा है। अब इसको हम, ये सनसुई का ये रिमोट है और इसको ऑन करते हैं। यहाँ से देखिए ये काम नहीं कर रहा है, बल्कि रिमोट काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये ऑन इससे होगा, यहाँ पे है ये इसका जो है पावर स्विच। अब इसको हम प्रेस करते हैं, ठीक। इसमें जो म्यूजिक आई है ये बताता है कि ये ऑन हो गया। अभी ऑन होके यहाँ पर देखिए, ये एक वाइट कलर का पट्टा है और इसी के साथ साथ में यहाँ पर देखिए नो सिग्नल दिखाई दे रहा है, यानी इसमें मैपिंग की प्रॉब्लम है, रिजुलेशन की, ठीक है। और साथ में इसका रिमोट भी काम नहीं कर रहा है, यानी इसका जो ये वीडियो कॉन का मदरबोर्ड है जो लगा हुआ है इस समय काम कर रहा है और ये टीवी है सनसुई की। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी एक साथ में इसका रिमोट भी काम करे और ये रेजुलेशन चेंज हो जाए, इसके लिए यहाँ पर सबसे ईजी सोल्यूशन यहाँ पर बताते हैं आपको। इसके लिए हम यहाँ पर ये जो इसका फ्लैश आईसी है, ये इसको हम जो है इस वीडियो कॉन वाले में लगा देंगे और उसके बाद फिर हम दिखाते हैं आपको। नंबर एक डॉट बना होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ एरो के निशान पे ऐसे लगाते हैं, चेंज कर दिए, फिर सप्लाई देते हैं। इसका रिमोट ये है, सनसुई का रिमोट और ये है टीवी, देखिए। एक काम भी कर गया और इसमें देखेंगे तो ये यूएसबी से, यानी यूएसबी मोड पे है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं वीडियो के ऑप्शन पे, यानी मूवी, चेंज कर सकते हैं, इसके लोगों को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है ये ऑप्शन इसलिए बताया है कि अगर आपके पास ये रिमोट एक्स्ट्रा नहीं है वीडियो कॉन का और आपको ये चेंज करना है ये मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम इशू आता है, तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो बक कन्वर्टर लगा हुआ है, ये इसके जगह पर हम यहाँ पर इसको यहाँ से इस रेगुलेटर आईसी को इसमें लगा देंगे, ठीक है।
इसमें इसको साफ कर देते हैं।